हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर 2cos2 की कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसकी इनवर्स में आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, जहां पर एक ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। ध्यान से देखिए, कोई भी मैट्रिक्स की इनवर्स की जो फॉर्मूला होता है, इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स ऐसे लिखा जाता है, उसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, मैं पहले आपको डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए को निकालूंगा और इसका इनवर्स निकालूंगा। तो कैसे, ध्यान से देखिए, पहले इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो आपको ए मैट्रिक्स क्या गिवेन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 गिवेन है। तो इसकी डिटर्मिनेंट होगा, ध्यान से देखिए, इसकी डिटर्मिनेंट होगा 4, 5, 6, 7। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा। तो ये ध्यान से देखिए, 7 × 4 − 6 × 5। तो ध्यान से देखिए कैसा क्या आता है, यहाँ पे 28 − 30 आता है, तो इसकी वैल्यू −2। ध्यान से देखिए, −2 जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि डिटरमिनेंट एग्जिस्टेड। अब ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स की एडजॉइंट ए कैसे निकालूंगा। तो ए मैट्रिक्स को लिख लूंगा, पे ए इक्वल टू लिखूंगा 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसकी एडजॉइंट ए क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए, इसकी एडजॉइंट ए होगा, ध्यान से देखिए क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए, इसके एडजॉइंट ए करने के लिए इसको देखिए, इस टर्म को, यहाँ पे 4 और 7, ये जो डायगोनल है 4, 7, इसको आपको इंटरचेंज करना होगा, यानी कि 7 की जगह 4 होगा और 4 की जगह 7 होगा। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये 5 और 6 एज इट इज रहेगा, सिर्फ सामने इनकी माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे इसकी एडजॉइंट ए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इस डायगोनल को आपको इंटरचेंज करना होगा और यहाँ पे 5, 6 को एज इट इज रख के सामने माइनस लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में लिखा है इनवर्स, ध्यान से देखिए, इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, तो मैट्रिक्स की ए इनवर्स आएगा 1/ डिटर्मिनेंट ए कितना होगा, −2, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, और यहाँ पे एडजॉइंट ए क्या आएगा, 7 − 5 − 6 = 4। अब ध्यान से देखिए, इस माइनस हाफ को मैं मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे अल्टीमेट आएगा, यहाँ पे आएगा −7/2, −−, कैंसिल होकर यहाँ पे आएगा 5/2, और यहाँ पे आएगा −6 − 2, यहाँ पे −−, कैंसिल होकर आएगा 3, और यहाँ पे −4 − 2, यहाँ पे आएगा −2। ये इस मैट्रिक्स की इनवर्स हो जाएगा। ऐसे ही 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स की इनवर्स निकाला जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।